डोनाल्ड ट्रंप के इस एक निर्णय से 60 सेकंड में नॉर्थ कोरिया हो जाएगा तबाह, लेकिन दुनिया झेलेगी WW3। वॉशिंगटन। अमेरिकी और नॉर्थ कोरिया के बीच जुबानी जंग चाकू की नोक पर पहुंच चुकी है और किसी एक का गलत निर्णय दुनिया में तबाही मचा सकता है। करीब 7,000 न्यूक्लियर वेपन से संपन्न मुल्क अमेरिका को नॉर्थ कोरिया का खात्मा करने के लिए मात्र 60 सेकंड का वक्त लगेगा। अमेरिका राष्ट्रपति बहुत पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया तो दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिसका परिणाम भयावह होने वाला है। ट्रंप दे चुके हैं युद्ध के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जापान पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया पर हमला बोला दिया। ट्रंप ने जापान में कहा कि सब्र का दौर अब खत्म हो चुका है। उनके अनुसार पिछले 25 साल से अमेरिका तानाशाह मुल्क नॉर्थ कोरिया से सिर्फ बातचीत ही कर रहा है। ट्रंप के तुरंत बाद जापान के पीएम शिंजो आबे ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अब नॉर्थ कोरिया से बातचीत नहीं हो सकती और इससे निपटने के लिए सारे विकल्प टेबल पर मौजूद है। नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए एशिया दौरे पर निकले ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने एशिया दौरे पर एक सौजो के साथ दिखाई दे रहे हैं। उस सौजो के हाथ में एक लेदर का बैग है और बताया जा रहा है कि ट्रंप सभी नेताओं से मिलकर नॉर्थ कोरिया से निपटने की चर्चा में लगे हैं। अपने पूरे दौरे पर ट्रंप नॉर्थ कोरिया मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा जोर देंगे। सूत्रों की माने तो नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए चीन पर दबाव डाल सकते हैं। ट्रंप का एक निर्णय दुनिया के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। युद्ध और कोरियाई प्रायद्वीप में चल रहे तनाव पर स्टडी कर रहे विशेषज्ञों की माने तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए परमाणु हमले का ऑर्डर दिया तो यह चीन और रूस के लिए भड़काऊ कदम हो सकता है। उनके अनुसार इस युद्ध में अगर चीन और रूस ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया तो दुनिया को इससे हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी नाटो ने अमेरिका का साथ देने के लिए पहले से ही तैयारी की बात कर दी है। यानी ट्रंप का एक गलत निर्णय दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ट्रंप कर चुके हैं टोटल डिस्ट्रॉय की बात। नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप फायर एंड फ्यूरी और टोटल डिस्ट्रॉय की धमकी दे चुके हैं तो किम जोंग उन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे ना तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने वाले हैं और ना ही अमेरिका से डरने वाले हैं। अगर हथियारों की बात करें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है, हालांकि अमेरिका के पास नॉर्थ कोरिया से ज्यादा डर्टी बम है। अमेरिका के पास कुल 6,970 न्यूक्लियर वेपन हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास इसकी संख्या सिर्फ 22 है। दोनों देशों की सैन्य ताकत। अमेरिका परमाणु हथियार 6,970, एयरक्राफ्ट 13,000, टैंक 8,800, वॉरशिप 473, सैनिक 10,40,000। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार 22, एयरक्राफ्ट 940, टैंक 4,200, वॉरशिप 474, सैनिक 10,00,000। हमें कमेंट करके बताएं कि इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की सच्ची खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो घंटे का बटन आएगा उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारे हर खबर को सबसे पहले देखने का मौका आपको मिलेगा।